हेलो फ्रेंड, बाइक बोर्ड निवेशकों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीमिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड पीड़ित निवेशकों के पैसे मिलने का एक दोस्तों ऐसा आसान तरीका हमें सुझाया गया है। ये आसान तरीका जो हमें सुझाया गया है दोस्तों, इसको हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी निवेशकों तक पहुंचाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आपके पैसे मिलने की जो इस वक्त एक अच्छी राह चुनी गई है, वो अच्छे वकीलों के द्वारा एक ऐसा रास्ता निकाला गया है जिससे बाइक बोर्ड निवेशकों का पैसा मिलना आसान होगा और सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम उन गैर निवेशकों को बताना चाहते हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा नहीं लगाया, उनकी जानकारी के लिए भी ये बताना ज़रूरी है कि कंपनी बाइक बोर्ड की स्कीम जो लॉन्च की थी उसको पैसा दुगना करने का झांसा देकर लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जिस जिस शहर में ये कंपनियां खुली, जिन राज्यों में खुली, उनमें दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश तक, जी हाँ दोस्तों, अपना जाल फैलाया हुआ था। और इस कंपनी का मैटर उजागर हुआ नवंबर दिसंबर 2018 में, जब कंपनी ने किस्त देनी बंद कर दी। तो निवेशकों कि धड़कनें दोस्तों तेज हो गई, उन्हें लगने लगा कि शायद हमारा पैसा ठगा गया और अब नहीं मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे निवेशकों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की और कुछ FIR वगैरह दर्ज कराए। पुलिस का दबाव कंपनी पर पड़ा तो दोस्तों 2 लाख से अधिक लोगों का पैसा इसमें ठगा गया। हालांकि अभी तक कितनी रकम ठगी जा चुकी है इसका आकलन पुलिस नहीं कर सकी और पुलिस के बस की बात भी नहीं। ये कार्रवाइयाँ CBI की होती हैं, प्रवर्तन निदेशालय के, जी हाँ दोस्तों, विभाग की होती हैं। पुलिस की केवल कार्रवाई इतनी होती है, FIR लिखवा दी और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो ये सारी जांच वगैरह जो इस वक्त विलंब पड़ा है और अभी तक नहीं की जा रही, तो दोस्तों उसके लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं कि बाइक बोर्ड का जो मालिक है वो, तो संजय भाटी पहले ही पकड़ा गया, जो ग्रेटर नोएडा चित्ती गांव का रहने वाला बताया जाता है। और जानकारी के अनुसार ये कोई एक मॉल है, उसमें भी इसने निवेश किया हुआ है। लोगों का पैसा जो इस वक्त नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते अब फिर सब इकट्ठे होने शुरू हो गए दोस्तों। जितने भी निवेशक थे वो सब एकजुट हो चुके हैं और एक एडवोकेट पूनम कालिया के द्वारा लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ऑल इंडिया MLM विक्लिटम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चलाकर लोगों के हक की आवाज़ उठाई जा रही है। कालिया का मानना है कि यदि लोग इसी तरह से इकट्ठे होकर चलें तो इंसाफ जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों, एडवोकेट कालिया ने जो इस वक्त एक रास्ता सुझाया है निवेशकों के लिए, यह पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो दोस्तों, जो सभी ऑल इन्वेस्टर्स, जी हाँ दोस्तों, जितने भी निवेशक हैं उन सब के हकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सबको इससे जुड़ना चाहिए। और इससे जुड़ने के बाद आपकी आवाज़ बुलंद होगी और इतनी बुलंद होगी दोस्तों कि आपकी कंपनी पे जो इस वक्त विलंब चल रहा है, जो कार्रवाई नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही, वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा देने का कोई अच्छा प्रोसीजर चालू किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सभी को संगठित होना है, हर एक प्रदेश के ठगे निवेशक को एकजुटता में, दोस्तों बल होता है और एकजुटता वो भी एडवोकेट के द्वारा बताई गई हो तो उसमें तो दोस्तों इंसाफ मिलने के 100% चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे संगठनों से आप मिलकर चलें और एक आवाज़ को बुलंद कर कर चलें,
ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, और आगे भी जो कोई जानकारी हमें मिलेगी हम आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो हमने ये वीडियो आपको यही सुझाव देने के लिए बनाई थी कि ऑल इंडिया पीड़ित हेल्प ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।